स्टार्ट विद दशा सिस्टम, और फिर ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि वो किस किन कंजंक्शंस में बैठा है प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट किसके साथ बैठा है तो कैसा रिजल्ट होगा, और फिफ्थ का लॉर्ड होकर इलेवेंथ में गया है या इलेवेंथ का लॉर्ड होकर फिफ्थ में आया है तो कैसा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. सो वी विल बी डूइंग दूसरी दशाओं को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट जैसा हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंस इज गिविंग टू विमशोत्री दशा, और इसके आपने पीरियड्स अपने फर्स्ट लेवल में देखे ही होंगे कि सब प्लैनेट्स के एक प्री डिफाइंड पीरियड्स हैं और एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है. आई एम श्योर अनिल जी ने भी कराया ही है ये तो, कि भू केशु सु चन मम राहु शा, और इसके हिसाब से केतु के बाद, मतलब मैंने हिंदी में बोला आपको, और उसके बाद में फिर उसी सीक्वेंस है, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और मरकरी के पीरियड्स होते हैं. द ओनली कैच इज कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के प्लैनेट लॉर्ड की दशा से दशा सिस्टम व्यक्ति का शुरू होता है. यहाँ पे हमारे पहले वी आर इन सिंक और नॉट, क्योंकि पहली दशा का पता होना बड़ा जरूरी है. दशा की सीक्वेंस का मतलब कौन डिसाइड करता है? द बर्थ नक्षत्र लॉर्ड. जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का कोई ना कोई लॉर्ड होता है. जैसे पुष्या में जन्म हुआ है तो जी शनि भगवान उसके लॉर्ड है, तो ये बात तो डिसाइड हो गई कि भाई शनि की दशा चलेगी. अब शनि की दशा होती कितने सालों की? 19 सालों की है. तो बर्थ जिस टाइम पे हुआ है उस टाइम से लेकर क्या 19 साल की दशा चलेगी, ये बात नहीं देखी थी हमने. देखा था जितना नक्षत्र का एक टाइम फ्रेम हमने माना है 800 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट में या 800 मिनट पूरे अगर व्यक्ति को मिलते स्टार्टिंग पॉइंट में अगर जन्म होता तो उनको 19 साल की दशा मिलती. बट हियर इन जितनी डिग्री बच जाएंगी नक्षत्र की, बैलेंस बच जाएगा, हमने लास्ट लेवल में किया था, तो उतने बैलेंस पीरियड को हम निकाल के कहेंगे ये तो शनि की दशा भोगनी पड़ेगी, और उसके बाद उसी सीक्वेंस में शनि के बाद बुध की, बुध के बाद केतु की, फिर शुक्र की, सूर्य की, चंद्रमा की, इस सीक्वेंस में दशाएं जीवन में, जीवन काल में इस सीक्वेंस में दशाएं सामने आएंगी. यहां तक क्लियर है सभी को? बैलेंस ऑफ दशा जो हमने पहली बार निकाला था. यस मैम, इट्स क्लियर. ठीक है जी. तो सब पीरियड की पिछली बार किया ही होगा सभी ने. एक ये पॉइंट है नोट करने वाला कि जो भी दशा चलती है, बाय द वे देखिए शनि की मैंने बात की और शनि की दशा का यहाँ पे एग्जांपल है कि बाय द वे जो भी दशा चलती है, अगर जैसे पुष्य नक्षत्र था और शनि की महादशा से शुरुआत हुई, तो अब शनि की महादशा से शुरुआत हुई तो शनि में पहले शनि की अंतरदशा आएगी. Yes. और उसी सीक्वेंस में सारी अंतरदशाएं आएंगी, फिर शनि के बाद बुध की, केतु, शुक्र. तो ये एक सीक्वेंस डिसाइडेड है और इसका टाइम फ्रेम हम डिसाइड करेंगे. तो बहुत बार क्या होता है कि आपको एक्चुअली डेट तो मिली जाती है, शनि में तो ये सारी दशाएं होती हैं अंतर, लेकिन अगर बैलेंस ऑफ दशाएं कम मिलती है तो फिर बहुत सारी अंतर दशाएं मिस हो जाती हैं. ये बात हुई थी डिस्कस जी. भाई अगर अनिता जी 19 साल की दशा मिलनी थी शनि की पूरी, तो बुध की, तो शनि में शनि भी मिलता, शनि में बुध भी मिलता, केतु भी मिलता, लेकिन ऐसा इस केस में तो जरूरी नहीं है ना. अगर अगर बाय द वे 19 में से सिर्फ 10 साल की दशा भोगनी रह गई है तो फिर कुछ अंतर दशाएं भी मिस हो जाती हैं, और एट द टाइम ऑफ बर्थ वहीं से शुरू होता है जहां से जितना नक्षत्र भोगना बच गया होता है, जितना बैलेंस पीरियड हमें भोगने के लिए मिलता है उसी सीक्वेंस में फिर हमारा दशा सिस्टम में अंतर दशा, दशा के बाद अंतर दशा भी वहीं से मिलती है. वो हम सॉफ्टवेयर में अभी देख लेंगे, पहले थियोरेटिकली आप एक बार इसको देख लें. अच्छा, फिर सब पीरियड होता है, इसको तो हम अंतर दशा कहते हैं. उसके बाद फिर एक सूक्ष्म दशा भी होती है, अंतर दशा, महादशा, फिर अंतर दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा. तो इसको सब सब पीरियड कहते हैं. जैसे उसको अंतर दशा कहते हैं, उसको सब पीरियड कहते हैं, इसको सब सब पीरियड कहते हैं, सब का भी सब. तो उसमें भी वही है कहानी कि जिसकी प्रत्यंतर दशा है उसी का ही आगे सूक्ष्म दशा मिलेगी. सीक्वेंस विल बी द सेम, सीक्वेंस विल बी द सेम. अभी दशा की फर्दर बाइफर्केशन करने का रीजन क्या है?
पॉइंट क्या है कि दशा को और ये मैम सब दशा सब अंतर दशा हुई फिर अंतर दशा और प्रत्यंतर जी जी मैम ताकि छोटे छोटे टाइम का पीरियड हमें पता लग सके कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें. बिल्कुल इसको छोटा करने के लिए टाइम फ्रेम को. अब जैसे बाय द वे शनि में शनि का अंतर अगर आप कैलकुलेट करेंगे 19 × 19 / 120 यही हमने किया था ना अंतर दशा निकालने के लिए. तो अगर आप करेंगे तो बड़ा बहुत बड़ा पीरियड निकल के आता है. ये तो कितना निकल के आता है शनि में शनि का पीरियड. शनि में शनि का पीरियड आप 19 × 19 / 120 करेंगे ना तो लगभग 3 साल के आसपास का पीरियड yes, इयर्स में आएगा. तो इयर्स में आ जाएगा. इयर्स yes. में आप किसी को कहेंगे कि ठीक है शनि की दशा में शनि की दशा में आपका काम हो जाएगा. बाय द वे सवाल ये था कि बच्चा कब होगा या शादी कब होगी या जॉब कब लगेगी. क्या आप किसी को कह सकते कि आने वाले 3 सालों में या ये जब 3 साल का टाइम फ्रेम आएगा तो ये काम हो जाएगा. नहीं कह पाएंगे. वो एक अच्छी प्रेडिक्शन नहीं रहेगी ना. इतना ब्रॉड टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं. लोग तो महीनों में एक्सपेक्ट करते हैं और आजकल तो हफ्तों में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने में भी हमारा कार्य कब संपन्न होगा. तो उसको पीरियड को टाइम पीरियड को छोटा करने के लिए ये दशा सिस्टम का इस तरह से प्लान हुआ. प्लान ऑफ एक्शन इसलिए ऐसा रखा गया कि इसको छोटा करने के लिए टाइम फ्रेम को एनवायरमेंट को जो ये मिल रहा है हमें कंड्यूसिव टाइम जो मिल रहा है उसको छोटा करने के लिए. तो बाय द वे शनि में शनि में शनि का निकालेंगे तो उससे थोड़ा और छोटा हो जाए फ्रेम. तो अंतरदशा और सूक्ष्म दशा का भी मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग दशा इनटू सब सब पीरियड्स इज टू शॉर्टन द टाइम फ्रेम एंड नो द प्रिसाइज पीरियड कि हम कुछ मंथ्स में या कुछ मंथ से भी छोटे सीक्वेंस में अगर टाइम को बता सके. पर्पस ये है. तो जैसे हमने ये किया था ये तो कैलकुलेशन ऑफ सब सब पीरियड दिया हुआ है. सब सब पीरियड की कैलकुलेशन यहाँ पे दी है. वैसे तो फॉर्मूला तो वही है उसका जो हमने पिछली बार किया था. ये देखिए शनि में अगर आपको मरकरी की अंतरदशा निकालनी है तो 19 × 17 करके एक फॉर्मूला तो ये था कि इस नंबर को आप 120 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको अंतरदशा का पीरियड पता चल जाता है. फिर एक सेकंड फॉर्मूला भी हमने किया था कि जस्ट टू मेक इट सिंपलर आप इसको मंथ्स और डेज में डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 3 तो वो डेज बता देता है और बाकी के जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको आप एज इट इज इन इन मंथ्स ले लीजिए. 32 मंथ्स होते हैं तो फिर आप उसको इजिली 2 years, 8 months, or 9 days में कन्वर्ट कर लेते हैं. और बाकी भी सिंपल है. बेसिकली पर्पज वही है ना. डिवाइड नहीं किया आपने वहीं पे ही ब्रेकिंग कर दी. इसे ही आप 120 से डिवाइड कर लीजिए तो भी आपका 3.23 समथिंग आंसर आएगा. और फिर उसको अगर आप 19 × 17 करेंगे तो भी यही रहता है. उसमें कोई बहुत चेंज नहीं है. जस्ट ऐसा कोई ट्रिक वाली बात नहीं. तो सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बताया गया है. इसका फिर 2.6 आता है. अगर आप 120 से डिवाइड करेंगे तो 2 years हो जाएगा और 0.6 को फिर आप 12 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 32 महीनों के आसपास. और उसी तरह से ये तो अब अगर और छोटी सेक्शन में लेना है यानी कि अंतर दशा तक की तो कैलकुलेशन क्लियर है. अगर प्रत्यंतर पे बात करनी है तो उसका भी फॉर्मूला एकदम सेम रहता है. अब नाउ सिंस वी आर फाइंडिंग द थर्ड सब पीरियड सो व्हाट विल वी डू मेन पीरियड इनटू सब पीरियड जैसा अंतर दशा के लिए किया था और प्रत्यंतर के लिए उसके पीरियड को और मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल डिवाइड इट बाय वन मोर टाइम विद 120. और ये कुछ भी नहीं है इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन डेज क्योंकि कुछ कुछ की बहुत छोटी भी आएगी. जैसे सूर्य की है तो 6 × 6 / 120 करेंगे तो वो बहुत छोटा भी टाइम पीरियड आता है. इसी को अगर आपको डेज में लेना है फॉर्मूला यही है जो मैंने हाईलाइट किया है. हाईलाइटिंग दिख रही है आपको? यस मैम. ये जो हाईलाइट किया है पीरियड फॉर्मूला यही है. मेन पीरियड इनटू सब पीरियड इनटू सब सब पीरियड. यानी अगर आपको शनि में बुध में सूर्य की निकालनी है तो 19 × 17 × 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 120 × 120. अब इसी को डेज में लेना है तो ऊपर 360 इयर्स को हटा के 360 डेज का मल्टीप्लायर लगाया है बस. तो उसकी वजह से ये 40 रह गया. 120 × 120 और ऊपर 360 का डिविजन चल रहा था तो 120 × 3 और 3 / 120 will be 40. तो इसलिए 40 डेज. ये क्लियर है?
ये इट इज अ कन्वर्जन, दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू, इसमें कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, ये दिस इज इक्वल टू दिस, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू डेज, इयर्स की जगह जब आप 360 डेज कर देंगे तो वो फिर यही आ जाएगा। तो एक कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो ये तो बाद की बात है, ये तो वही मैंने आपसे जो कहा था कि बैलेंस ऑफ विमशोत्री दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ, जितना बैलेंस पीरियड रह गया है उतने ही तो पीरियड्स बचेंगे। बाय द वे शनि में शनि मिलेगा ही नहीं व्यक्ति को, अगर शनि का शुरू की डिग्री निकल चुकी है तो शनि में शनि मिलेगी कैसे, शनि में शनि की दशा ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि शनि में बुध भी ना मिले, शनि में केतु भी ना मिले, दैट विल डिपेंड कितने ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम हमारा बच गया। इससे पहले पहले यहीं पे ही हम एक बार है ना स्टॉप करके और किसी की भी सब सब पीरियड और सब पीरियड एक बार कैलकुलेट करें तो बड़ा मेरे ख्याल से यस मैम इजी हो जाएगा। कोई भी बताइए आप, जैसे सन, सन में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सभी को, सन में बताइए किसका निकालें, सन में बुध में मरकरी ओके किसी का भी निकाल लें, चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, बताइए। नो इट्स ओके मैम, इट्स ओके। तो सन का कितना होता है जी, 6 साल, 6 years, यस। नाउ आई एम ऑन अ डिफरेंट लैपटॉप टुडे, एक सेकेंड जी। और मरकरी का कितना होता है, 17, 19, ठीक है, और डिवाइड बाय 40, दिस विल बी डेज। ये जो मैं आपसे बात कह रही थी ना वो कुछ भी बात नहीं थी, वो ये थी कि अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे 6 × 17 × 19 और yes. इसको जब आप इसको हमको डिवाइड करना था पहले तो 120 yes. इंटू 120 से इसी को अगर हम ये दिस वाज दिस ये ब्रैकेट है ना तो इसको इससे डिवाइड करना था, दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, दीज टू थिंग्स आर इक्वल ओनली। नाउ हाउ आर दे इक्वल, क्योंकि ये इयर्स में था, ठीक है ना। अब जब ये इयर्स में था तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली ना मैं इसको एंटर मार के लिखती, तो आप इसको ऐसे समझिए, दिस इज लाइक दिस, ये इयर्स यहां पे लिखा है सेंटर में सपोज, तो इज इन दिस इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखिए इससे कट गया 340, सो दिस इज हाउ वी अराइव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, दिस आई वाज टेलिंग यू दैट इज द सेम थिंग, वो इयर्स में था, दिस इज इन डेज। अच्छा तो अब खैर एनी विच वेज इसको कैलकुलेट तो करते हैं, 6 × 17 × 19 डिवाइड बाय 40 कर लीजिए तो दैट विल बी द नंबर ऑफ डेज। It is 48.45 days. तो आपके पास अगर पुरानी वाली आपकी एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट बुक होगी ना तो उसमें डेज भी लिखा होता है, उसमें डेज दिए भी होते हैं, मेरे पास वो अभी बुक नहीं है तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं ना, द दशा विल बी दीज मेनी डेज। तो आप ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा मिल गया ना हमें प्रत्यंतर लेने की वजह से, इजीली से कि ये जो लगभग ये सवा महीने का जो टाइम आएगा इसमें आपका काम हो जाएगा, तो दिस जस्ट डिफाइनिंग द टाइम फ्रेम।
अनीता जी आपको भी क्लियर है ना प्रत्यंतर दशा निकालने का, बिकॉज आप इसमें कीन थे, तो दैट टाइम आई डिडंट वांट टू यू नो बिकॉज एक्सप्लेन भी करना होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉरवर्डिंग दी स्लाइड, अब स्लाइड में तो लिख दिया ऐसे, दिस इज हाउ यू आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर दैट फ्रॉम दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू एंड दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी गेट आफ्टर डूइंग इट इन थ्री. So this is how we calculate antardasha and post that pratyantardasha basically. ठीक है जी, can I do the stop share? Because our part was to clarify कि अब sun ने अब ये इतना कम क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि एक दशा छोटी थी. इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 month 18 days और almost 18 and a half days because 0.4 है. तो फ्यू आवर्स तक में मतलब अंतरदश प्रत्यंतर दशा जो है जाती है करके, तो ये डिवाइड बाय 40 वाली बात तो इसलिए ऐसी है. ठीक है जी, सो इन्होंने कोई और कैलकुलेट करके रखा है, कोई और पीपीटी में हमारी कोई और कैलकुलेशंस हैं, वो भी वही है कि सब पीरियड को निकाल के बताया है डिवाइड बाय 40 करके. सर बैलेंस ऑफ विमशोचि दशा दी टाइम ऑफ बर्थ, ये मैंने आपको बताया है अभी की sub period helps in implementation of the results and narrowing down the time frame basically. आप time frame इतने बड़े time frame को आप narrow down कर रहे हैं.